सभी साथियों को नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एफिलेटेड कॉलेजेस, जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है और एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसके। अगला सेमेस्टर आपका फुली ऑफलाइन रहने वाला है, ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। आप सभी जानते भी हैं आपके 1 मार्च से आपके जो कॉलेजेस हैं वो ओपन हो रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज के लिए। और अगले सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने हैं उसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो के आप एंड तक बने रहें। जो आपका अगला सेमेस्टर है वो फुली ऑफलाइन होगा, कोई कोरोना अब की बार आने वाला नहीं है। सभी कोरोना जो गाइडलाइन है वो ख़त्म कर दी गई हैं, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, आप सभी साथी जानते हैं। तो अगले सेमेस्टर में आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो फुली ऑफलाइन होंगे। आप किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के भरोसे बैठे ना रहें, सभी साथी अपनी तैयारी रखें। देखिए, हमने आपके पिछले सेमेस्टर में बहुत सहायता की थी, आपके लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे, यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस के सामने जाकर भी प्रोटेस्ट किया था, तब जाके आपके जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन हो पाए थे। लेकिन उस टाइम हमारे पास एक जेन्युइन रीज़न था कोरोना का, और आपकी जो क्लासेज थी वो ऑनलाइन लगी थी साथियों की। कुछ क्लासेज ऑफलाइन लगी थी लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन लगी थी। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, अब की बार सभी बच्चों की क्लासेज भी ऑफलाइन लग रही है। कोरोना भी अब की बार नहीं है, सारी की सारी कोरोना गाइडलाइन है वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब की बार हमारे पास भी कोई जेन्युइन रीज़न नहीं बचा है आपके लिए प्रोटेस्ट करने का, तो आप समझ ही गए होंगे अब की बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी अच्छे से अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन जो भी हमारे पास अपडेट होगी आपके रिगार्डिंग जो भी हम हेल्प कर पाएंगे वो करेंगे, चाहे वो आपके एडमिशन की वीडियोस हों, चाहे वो आपके रिज़ल्ट कब आएगा। आप किसी साथी को कोई भी समस्या है, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपके एग्ज़ामी जो आपके आगामी एग्ज़ाम होंगे वो आपके ऑफलाइन होंगे, लेकिन फिर भी कोई उलटफेर होता है या फिर कोरोना की ऐसी कोई और सिचुएशन आती है तो आपको ज़रूर हम आगाह करेंगे उसके बारे में, और आपको ज़रूर बताएंगे जो भी कोई नया नोटिस आएगा। तो मैंने यही सोचा कि एक बार सभी बच्चों को बता दूं कि अगले सेमेस्टर में ऑनलाइन के भरोसे ना रहें और स्टार्टिंग से ही अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।